पत्रकारिता एक ऐसा विषय रहा है जहां पर गंभीरता काफी मायने रखती है और शब्दों की मर्यादा काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वर्तमान समय में मीडिया सिर्फ दृश्यों पर आधारित हो गई है। आपको क्या लगता है, आप कंटेंट के मामले में पत्रकारिता का स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है? मैम आपसे सवाल। शर्मिष्ठा, बहुत अच्छा आज का विषय रहा है, आज ने इसलिए मैं आई भी हूँ, और बहुत ज़रूरी था इस तरह के विषय पे चर्चा करना। नंबर एक, जहाँ तक अब हम बात करते हैं कि क्या स्तर गिर गया है, मैंने कई साल तक पत्रकारिता पढ़ाई भी है, लगभग 15-12 साल। हम लोग सबसे पहले छात्रों को बताते थे भाषा, कि भाषा क्या होनी चाहिए और कैसे इस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद जो जो पत्रकारिता बदलती गई और भाषा बदलती गई, लेकिन अब जो भाषा चल रही है उसको देख के ऐसे लगता है कि पत्रकारिता नहीं है आज। आज सिर्फ गाली गलौज की भाषा एक तरफा। आपने भी, हम सब सीनियर लोग बैठे हुए हैं पैनल में, जो पत्रकारिता वाले हैं उनको पता है कि कैसे हमारी स्टार्टिंग होती है, W से Y, वेयर वेज, है ना, कब कहाँ क्या। लेकिन यहाँ ये कब कहाँ क्या वाला एकदम खत्म ही हो गया है। यहाँ तो आपको व्हाट्सएप से ज्ञान आता है, आपको वो करना है, चाहे आधा अधूरा या और सबसे दुख की बात है कि हमारे देश में पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई वो अंग्रेजों के खिलाफ, सबको पता है, मैं बार बार ये नहीं दोहराना भी चाहती, हमने सबने पढ़ा है, और जो पत्रकारिता में आए हैं शायद वो भी ये पढ़ के ही आए हैं, उनको भी पता है कि उधर मंदर से स्टार्टिंग हुई, कैसे पत्रकारिता हस्तलिपि हुई थी, फिर ब्लॉक पे आया, फिर ब्रोमाइड पे आया, फिर अब डिजिटल हो गया आज की डेट में। लेकिन पत्रकारिता का एक जज्बा, पत्रकारिता की एक शुरुआत एक आजादी के आंदोलन के रूप में हुई थी, उसमें पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा योगदान था हमारे आजादी के आंदोलन में। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज हमने सब कुछ भूल गए हैं। आज पत्रिका एक एक दिखावा हो गया, एक सरकारी, कि आजादी के आंदोलन में मैंने इसलिए जिक्र किया कि क्योंकि हम उस समय सत्ता के खिलाफ थे, हम अपनी आजादी चाहते थे, हम सत्ता के खिलाफ बोल रहे थे, हम सत्ता की गलतियों को सामने ला रहे थे। लेकिन आज ऐसे देखकर लगता है कि जैसे हम सब, जो भी मीडिया है, वो एक सरकारी पक्ष का, सत्ता का एक मुखपत्र बन गए हैं। मुझे याद है कि आज भी आप देखिए ध्यान से कि सब पार्टी के, सब संस्थानों के अपने अपने एक एक, एक मुखपत्र होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल तो एक मुखपत्र किसी भी दफ्तर, किसी भी पार्टी का नहीं रह गया। अब तो एक पार्टी के बहुत सारे मुखपत्र होते हैं, जैसे रावण के बहुत सारे चेहरे हो जाते हैं, वैसे ही आज की डेट में बहुत सारे चेहरे। हो सकता है किसी को बड़ा ऑब्जेक्शन मेरे शब्द पे हो जाएगी, अरुणा सिंह ने बोल दिया कि रावण के चेहरे जैसे 10-20 हो गए हैं, वैसे अब मीडिया हो सकता, बिल्कुल हो गए हैं, मैं इस पे कायम हूं, जिसको जो करना कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक रावण का चेहरा लेके पत्रकारिता करने लग गए हैं, आपको दूसरे चेहरे दिख ही नहीं रहे हैं, आप एक स्तर से एकदम निम्न स्तर पे आ गए हैं। अभी कोई चर्चा कर रहा था कि माया के मैगजीन, मेरी शुरुआत भी संडे मेल मैगजीन से हुई थी, एक क्रांतिकारी। मुझे याद है कि हमारे फ्रंट पेज पे मार्केटिंग वालों ने बोला कि यहाँ एक स्टोरी हमने लगानी है और ये स्पॉन्सर स्टोरी है। हम लोगों ने, ब्यूरो ने, पत्रकारों ने टपक के रख दिया मार्केटिंग, कहले तो हमने ऑब्जेक्शन किया कि ये बंदा मार्केटिंग का, इसमें आके क्यों बैठा है हमारी एडिटोरियल की मीटिंग में, इसकी हिम्मत कैसे हुई एडिटोरियल की मीटिंग में आने की। और हमेशा से ऐसा ही रहा, एडिटोरियल हावी रहा है, और एडिटोरियल का ही फैसला होता था कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, फ्रंट पेज पे क्या होगा क्या नहीं, हम किसी कोई कोई नहीं सुनता। ये 10 साल पहले भी यही होता था, लेकिन अब आप देखिए कि अब सब कुछ मार्केटिंग। आज अखबारों के पेज बिक गए हैं पूरे के पूरे, अगर आपको 4 अंक 4 लाइनें भी छपवानी है तो आपको रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट ना, स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, कोई खबर नहीं लगेगी। और वो कह देगा मेरा दिल्ली टाइम, फलां टाइम, ढिमकाना टाइम 3 महीने पहले बुक हुआ पड़ा है।
तो ये जो पत्रकारिता एकदम कमर्शियल हो रही है, ये बहुत ही घातक है। क्यों घातक है? घातक इसलिए कि जनमानस से दूर हो गई है। आप बताइए कि मुझे जनमानस की कितनी समस्या है, जनता की कौन सी जमा है, जबकि पत्रकारिता का मूल मंत्र ही यही था कि जनता की आवाज उठाना, उनकी समस्याओं को बताना, उनकी आवाज बनना, सत्ता की आवाज बनना कभी भी पत्रकारिता का मकसद ना दे नहीं रहा, जो आज हो गया है। ये एक शर्मनाक परिस्थितियां है इस समय देश में कि पत्रकारिता, मीडिया अपना रोल अच्छे से, अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा है। शुक्र है डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया 4PM जैसे और ना जाने कितने मीडिया पर प्लेटफॉर्म आए जो जनता पर, जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अदरवाइज तो आपके सैटेलाइट चैनल कोई सिर्फ सरकारी पक्ष ही रखते हैं। अब मैं एकदम दोष आरोप लगा रही हूँ तो मैं इसको बताऊंगी ना क्यों लगा रही हूँ आरोप। अब किसी जगह मेरी चर्चा हो रही थी ऐसी एक चर्चा में कि कैसे ये सारे मीडिया, सबसे पहले कि पूरे देश के चैनल किन लोगों के हाथ में, बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, ठीक। अब उद्योगपति जैसा कहेंगे आप चैनल वैसा ही चलाएंगे, वही न्यूज चलाएंगे। अब सबसे ज्यादा आर्थिक प्रभाव, आर्थिक डिपेंडेंसी किस पे है? सरकार पे। आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ, अभी परसों दिल्ली का बजट पास हुआ है, ठीक है। 2014 में 16 करोड़ रुपए पब्लिसिटी का बजट था दिल्ली गवर्नमेंट का, आज 500 करोड़ से ऊपर हो गया। बताइए, जन सेवाओं पे 500 करोड़ रुपया लगाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात है तो 3200 करोड़ और इतना। और इससे अब क्या होता है, इससे सारे चैनल जिनको आप गोदी मीडिया हम सब कहते हैं पोषित होते हैं। कुछ 10 चैनलों को ही ऐड दिए जाते हैं, कुछ 10 चैनलों को ही अखबारों को विज्ञापन दिए जाते हैं। देखिए, क्योंकि इन चैनलों का आर्थिक क्या है, या तो सेठ है उद्योगपति है या सरकार से है, तो वो तो उनका गुणगान करेंगे ही। अब मैंने आरोप लगाया तो मैं उसके पीछे की आपको बात भी तो बताऊंगी ना। अब आ जाए तीसरा पहलू, मेरी एक बहुत बड़े गोदी मीडिया गए या बहुत बड़े चैनल जिसकी बहुत सारी चर्चा भी कल से चल रही है। हम चूंकि पत्रकार, महिला पत्रकारों के संगठन में सक्रिय हूँ और बातचीत होती रहती है, बुरा भी लगता है तो उनसे बात करते होगी। भाई एक एंकर से बात कि तुम क्यों ऐसे एक तरफा खबरें क्यों चलाते हो, जैसे कल ही एक युवा कांग्रेस के एक नेता का आधा अधूरा वीडियो जिन्होंने शेयर किया और वायरल किया हमारी कई महिला पत्रकारों ने, तो मैंने उनको पूछा कुछ दिन पहले ही बात है कि क्यों ऐसा करते हो तुम लोग। बोली मैडम, वे बात भी मुझे उसकी एक मजबूरी भी लगी और एक से बोली मैडम आप लोगों का करियर बन चुका है, आप लोग एस्टेब्लिश है, अब आपके सामने चैलेंजेस नहीं है। हम लोग अभी मिडल एज के करियर में है, बच्चों से स्कूल जाना है, बच्चों की फीस देनी है, ये सब जिम्मेदारियां हैं, हमें नौकरी चाहिए, हम नौकरी की तरह लेते हैं और महीने की सैलरी मिलती है, जो कंटेंट दिया जाता है वो बोला जाता है। उसके बाद ये 6 महीने पहले की बात है कि मेरा मुंह बंद, कि अब पत्रकारिता पैशन नहीं रहा, पेशा हो गया है। यही हम पढ़ाते थे कि जिसको पत्रकारिता का, पत्रकार बनने का पैशन है वो इस प्रोफेशन में आए। लेकिन आज मेरे 30 साल हो गए मीडिया में, इस 30 साल के जिसमें मैंने 10 से 12 साल पढ़ाया भी है, 15 साल यही पढ़ाती आई हूं कि मीडिया पत्रकार बनना है तो आप में एक पैशन होना चाहिए, आप में एक ललक होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे पत्रकार बनना है। मैंने जनता की, मेरी पहली क्लास ही यही होती थी कि तुम्हें पत्रकार बनना है बेटा, अगर तुम समाज के लिए, गरीब के हक के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए अधिकारों के लड़ना चाहते हो, उनकी आवाज बुलंद करना, तो तब पत्रकार ना पे आना। मैंने क्लास ही लेनी बंद कर दी है 5-6 साल से, मुझे आते हैं कई जगह, मैं क्या पढ़ाऊं, वो पढ़ के जाते हैं। मेरे ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो कई चैनलों में आज जो मुझसे पढ़े हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, मिलते हैं, सब हंसते हैं, उन्हीं में से एक ने सारा बताया। अब क्या पढ़ाए उनको कि पत्रकारिता जज्बा नहीं रहा,
पैशन नहीं रहा, प्रोफेशन हो गया है। तो ये प्रोफेशन की कहानी अडानी अंबानी या बड़े उद्योगपतियों से जुड़ती है, सरकार फिर चैनलों के जो बड़े बड़े खर्चे हैं उससे जुड़ती है, पैशन और जज्बा बहुत नीचे आ गया है, जनता का सरोकार की खबरें दिखाना बहुत नीचे आ गया है। अब मुझे सैलरी चाहिए, मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे बच्चों की पढ़ाई करनी है, पत्रकारिता यहाँ तक आ गई है, पत्रकारिता अब मूत्रकाल तक आ गई है, अमृत काल से के बाद, और जो शुरू हुई थी आजादी काल से। आज द्विवेदी जी हमारे गुरु जिन्होंने पत्रिका है वो खून के आंसू रो रहे होंगे कि ये कहां से कहां आ गई है पत्रिका। थैंक यू मैम, आपसे सवाल है कि कल से पूरे मीडिया सिर्फ अतीक अहमद पर ही छाया हुआ है, अतीक की पल पल की हरकतों को दिखाया जा रहा है, क्या ये सब राहुल गांधी के मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सोची समझी रणनीति हो सकती है? अच्छा आपका सवाल, उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट जो मेरे बार बार मैं बोलती भी हूँ और मेरे जहन में है और एक रिसर्च बेस्ड भी है, थोड़ा सा रिसर्च का कर। आप पिछले एक अरसे से देखिएगा कि जिस तरह सोशल मीडिया इन सब चैनल्स का अल्टरनेट मीडिया बनता जा रहा है, आज स्थिति ये है। जैसे अभी कल मैंने यूट्यूब के टोटल व्यूशिप का आता है, आप लोगों के पास भी आता होगा, व्यूशिप कितनी है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स है, ये एनालिसिस होता है। उसके बाद एक चैनलों का भी एनालिसिस होता है, उसको सेटबैक्स करता है, उसमें बताया जाता है किसकी टीआरपी कितनी कितनी। मैं वो डेटा का कंपैरिजन कर रही थी, मैं हैरान हो रही थी कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो एक दिन ये चैनलों को, सैटेलाइट चैनलों को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। उसका कारण और किसी कोई नहीं है, उसका कारण ये है कि उनके अपना, वो खुद है इसके जिम्मेदार, क्योंकि वो जनता की खबरें नहीं दिखा रहे, जन सरोकार की खबरें नहीं दिखा रहे। अब आप कल का ही उदाहरण लीजिए, इतनी बड़ी घटना होती है, सुबह एक मंत्री एक गदा बोल की भाषा बोलता है, शाम को एक लेटर इश्यू हो जाता है, लेकिन मीडिया कहाँ है? स्मिता आपका वाला सवाल, अब कल की सारा का सारा प्रपंच ये होता है कि राहुल गांधी की खबर जनता तक ना पहुंचे, पूरा मीडिया लग जाता है और सारी सीमाएं सारी हदें लांघते हुए दिखाता है कि अतीक अहमद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या। और ये पैटर्न कल का नहीं है, इस पे तो 5000 के पन्नों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। आप ले ओ में से कोई मेरे साथ तैयार हो तो लिखे हम लोग कि पिछले 9 साल में किस तरह परसेप्शन बनाए गए हैं, किस तरह मीडिया का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह एक घटना को दबाने के लिए दूसरी घटना होती है, एक स्कैंडल को दबाने के लिए दूसरे इस तरह की खबरें करी जाती हैं, एक घटना एक बड़ी मांग को दबाने के लिए उसके फर्जी एनकाउंटर होते हैं। इसी तरह पूरा पिछले 9.5 साल से लगातार यही चल रहा है और उसी की प्रकाष्ठा कल वाली घटना। अभी 1 साल हो रहा है, अभी और देखिएगा कि इससे भी बुरा हालत, इससे भी बुरे दिन आपको देखने को मिलेंगे। और उस सब में कहां आप, जनता कहां है? जनता कहीं नहीं है। मुझे खबर दबानी है तो मुझे अतीक अहमद दिखाना है। कल एक और बड़ी घटना भी हुई, बेंगलोर में हुई, आप लोगों को सबको पता है, कहीं दिखी खबर आपको? शेल कंपनियों की हुई जैसे बता रहे थे, कहीं दिखी आपको? सब खबरें दबाना और जो आप जनता को दिखाना है। लेकिन मैं डेटा के बेस पे कहती हूँ कि इन चैनलों की लिमिट सोशल मीडिया और ये यूट्यूब चैनल से 50% भी नहीं रह गई, और जो लोग चैनल देखते हैं वो बंद कर रहे हैं। आप उठा के डेटा देखिए कि कैसे सेटबॉक्स खत्म होते जा रहे हैं, कैसे ये सब सब्सक्रिप्शन खत्म होता जा रहा है और लोग इस ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो मीडिया को अपनी अगर अपनी साख बचानी है, मीडिया को मीडिया रहना है, तो कम से कम जन सरोकार की बातों को करें,
जनता की बात करे, जनता के मुद्दे उठाए और जनता के बीच जाए। कम से कम गोदी मीडिया बनकर एक तरफा खबरें मत दिखाए।